हेलो स्टूडेंट, इला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सारिका वर्मा आज प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने फैट यानी कि वसा। इसके पहले जो है आपने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था, अब आज जो है आप जानेंगे वसा के बारे में कि वसा क्या है और किन चीजों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो इसके पहले आपने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, तो उसी प्रकार से वसा जो है ये भी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या है, यौगिक है, कंपाउंड है। ठीक है, फैट जो है वसा है ये कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या है, यौगिक है। इसका फार्मूला जो है जनरल फार्मूला, इसका जनरल फार्मूला जो है वो होता है C57H110 और O जो होता है वो 6। ठीक है, ये इसका फार्मूला है, ये जो है C57H110 और O6, ये इसका जनरल फार्मूला होता है। सोर्स क्या है यानी कि इसके स्रोत जो है वो जैसे घी हो गया, दूध, ठीक है, पनीर, घी हो गया, दूध हो गया, पनीर हो गया, ठीक है, उसके बाद जो है मटन है, चिकन है, ठीक है, मूंगफली है, मूंगफली, वेजिटेबल, ऑयल और जो है एनिमल ऑयल, ये सभी क्या है इसके सोर्स हैं। ठीक है, घी हो गया, जो है आपका दूध हो गया, मटन हो गया, चिकन हो गया, मूंगफली हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया, एनिमल ऑयल हो गया, ये क्या है इसका जो है सोर्स है। अब जो है इसके कार्य हम देखेंगे, इसका कार्य फंक्शन, इसका कार्य क्या होता है, एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करना, ये पहला है। और दूसरा इसका काम होता है ये थर्मल इंसुलेटर यानी कि ताप रोधक का कार्य, थर्मल इंसुलेटर का कार्य करता है यानी कि ताप रोधक का कार्य करता है और ये एनर्जी प्रोवाइड करने का कार्य भी करता है। 1 ग्राम जो है, 1 ग्राम फैट में जो है 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी पाई जाती है। ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी एनर्जी पाई जाती है, 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी पाई जाती है। उसके बाद जो है फैट का निर्माण, फैट का निर्माण कैसा होता है, कैसे, तो इसके निर्माण में जो है दो चीजों का, इसके निर्माण में दो चीजों का योगदान होता है। वो दो चीज कौन कौन से हैं, पहला जो है ग्लिसराल, ग्लिसराल, और दूसरा जो है फैटी एसिड यानी कि वसीय अम्ल। ठीक है, इसका निर्माण जो है, इसके निर्माण के लिए दो चीजों का योगदान होता है, पहला जो है वो ग्लिसराल है और दूसरा फैटी एसिड है। ग्लिसराल जो है इसका फार्मूला होता है C3H8O3, ये जो है इसका क्या है फार्मूला है C3H8O3 यानी ये क्या है, यही क्या है ग्लिसराल यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एक क्या होता है, एक यौगिक होता है। ये इसका नाम क्या है आप देख रहे हैं C3H8 और O3, ये क्या है ग्लिसराल है। और ये जो वसीय अम्ल होता है, वसीय अम्ल जो है ये अम्ल का एक समूह होता है, ये जो है अम्ल का एक समूह होता है, कौन सा समूह, जिसे COOH यानी कि कार्बोक्सिल, जिसे जो है हम कौन सा समूह कहते हैं, कार्बोक्सिल समूह कहते हैं। यानी कि वसीय अम्ल जो है ये अम्ल का एक समूह है जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिल यानी कि COOH कहते हैं, यही क्या है ये वसीय अम्ल है। और ये क्या है C3H8O3, ये क्या है ग्लिसराल है, यानी कि इसके निर्माण में दो चीजों का योगदान, ग्लिसरिन और ग्लिसराल और वसीय अम्ल। यहाँ पे जो है तीन
अणु, वसीय अम्ल। तीन अणु जो है वसीय अम्ल के और एक अणु ग्लिसराल के मिल करके फैट या वसा, फैट या वसा के एक अणु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी कि तीन जो है वसीय अम्ल और एक ग्लिसराल मिल करके वसा के एक अणु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी कि जो है फैटी एसिड प्लस ग्लिसराल मिलकर के क्या बनाते हैं, फैट। एक मोल फैट, एक मोल और ये तीन मोल, यानी कि वसीय अम्ल के तीन मॉलिक्यूल, ग्लिसराल के एक मॉलिक्यूल मिलकर के किसका एक मॉलिक्यूल, फैट का जो है एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। ठीक है, इतना आया होगा आपको समझ में, इसके साथ लीजिए, इसका नोट करिएगा। देखिए एक बार फिर से, वसा जो है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। इसका जो जनरल फार्मूला है वो C57H10O6 है। ठीक है, इसके सोर्स है दूध हो गया, घी हो गया, पनीर हो गया, मटन हो गया, चिकन हो गया, मूंगफली, वेजिटेबल ऑयल, एनिमल ऑयल। ठीक है, फंक्शन जो है इसका होता है, वसा का कार्य क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करना, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। और इंसुलेटर यानी कि थर्मल इंसुलेटर का कार्य करता है, ये तापरोधक का कार्य भी करता है। 1 ग्राम फैट में 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी पाई जाती है। और फैट का निर्माण जो है, फैट के निर्माण में दो चीजों का योगदान होता है, कौन कौन से, ग्लिसराल और फैटी एसिड। ग्लिसराल जो है ये क्या है, C3H8O3 है। और फैटी एसिड जो है यानी कि वसीय अम्ल जो है, ये अम्ल का एक समूह होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिल समूह कहते हैं। फैटी एसिड के तीन मॉलिक्यूल यानी कि फैटी एसिड के तीन अणु और ग्लिसराल के एक अणु मिल करके वसा के एक अणु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, और ये जो वसीय अम्ल होते हैं हमारे प्रकृति में जो है, वसीय अम्ल कितने प्रकार के पाए जाते हैं, दो प्रकार के। तो वसीय अम्ल जो है, एक और आगे लिखेंगे आप, प्रकृति में वसीय अम्ल दो प्रकार के पाए जाते हैं। वसीय अम्ल जो है दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक तो होता है संतृप्त, संतृप्त वसीय अम्ल, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, और दूसरा जो है वो है असंतृप्त वसीय अम्ल, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं, इनमें जो है कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य जो है सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल बंध उपस्थित होते हैं। ठीक है, और इनमें जो है, इनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल डबल बॉन्ड यानी कि द्विबंध उपस्थित होते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है क्या होता है कि जिनमें जो है कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं उन्हें हम सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कार्बन कार्बन के मध्य जो है कैसा, डबल बॉन्ड यानी कि द्विबंध उपस्थित होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद टाइप हम देखेंगे, टाइप ऑफ फैट, फैट के प्रकार। तो फैट जो है कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है, एक तो होता है सैचुरेटेड फैट, ठीक है,
सैचुरेटेड फैट यानी कि संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट संतृप्त वसा। तो ये संतृप्त वसा जो है ये किससे मिलकर के बना होता है, आप कहेंगे कि सैचुरेटेड फैटी एसिड प्लस ग्लिसराल, सैचुरेटेड फैटी एसिड प्लस ग्लिसराल से मिलकर बना होता है संतृप्त वसा या सैचुरेटेड फैट जो है ये किससे मिलकर के बना होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड और ग्लिसराल से मिलकर के जो है क्या बनता है, सैचुरेटेड फैट का निर्माण होता है। और ये जो सैचुरेटेड फैट जो है यह जो है कम टेम्परेचर, यह जो है टेम्परेचर कम कर देने पर टेम्परेचर जो है कम कर देने पर फ्रीज हो जाता है, फ्रीज यानी कि जम जाता है। ये जो है सैचुरेटेड फैट जो है ये इसका टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो ये क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, यानी कि सैचुरेटेड फैट जो है ये कम टेम्परेचर पर जम जाता है और ये जो है हमारे लिए क्या होता है, ये हमारे लिए हानिकारक होता है, ये जो है हमारे लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। सैचुरेटेड फैट जो है ये हमारे लिए हानिकारक होता है और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या होगा, एनिमल आयल और कोकोनट आयल। ठीक है, एनिमल आयल और कोकोनट आयल जो है ये किसका एग्जाम्पल है, ये सैचुरेटेड फैट यानी कि संतृप्त वसा का एग्जाम्पल है। संतृप्त वसा जो है इसका टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो ये फ्रीज हो जाता है, जम जाता है और ये हमारे लिए हानिकारक होता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि ये संतृप्त वसीय अम्ल और ग्लिसराल से मिलकर के बना होता है। ये था पहला, और दूसरा जो है इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर हम मिटाए आगे। दूसरा जो है वो क्या है, असंतृप्त वसा, दूसरा है असंतृप्त वसा यानी कि अनसैचुरेटेड फैट, असंतृप्त वसा। तो असंतृप्त वसा जो है ये भी किससे मिलकर के बना होगा, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्लस ग्लिसराल, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्लस ग्लिसराल से मिलकर बनता है। ठीक है, इसका टेम्परेचर कम करने पर यह फ्रीज नहीं होता यानी कि ये जमता नहीं है और ये जो है हमारे लिए हानिकारक नहीं होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जो है वो क्या होगा, वेजिटेबल आयल। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, वो होगा वेजिटेबल आयल। और एक जो है फिश आयल होता है, गोल्ड फिश लेवर आयल, ये किसका एग्जाम्पल है, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का
एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये था फैट। फैट में आपने देखा कि दो प्रकार के फैट पाए जाते हैं, एक होता है संतृप्त वसा और एक असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा जो है ये सैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि संतृप्त वसीय अम्ल और ग्लिसराल से मिलकर के बना होता है, और ये जो सैचुरेटेड फैट होता है यानी कि संतृप्त वसा जो है ये कम टेम्परेचर पर क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, जम जाता है और ये हमारे लिए हानिकारक होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, वो है एनिमल ऑयल और कोकोनट ऑयल, ठीक है। दूसरा जो है वो है असंतृप्त वसा यानी कि अनसैचुरेटेड फैट। ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि असंतृप्त वसीय अम्ल और ग्लिसराल से मिलकर के बना होता है, ये कम टेम्परेचर पर फ्रीज नहीं होता यानी कि ये कम टेम्परेचर पर जमता नहीं है और ये हमारे लिए हानिकारक नहीं होता। इसका एग्जाम्पल जो है वो है वेजिटेबल ऑयल और क्या है गोल्ड फिश लीवर ऑयल, ठीक है। तो ये था जो है आपका फैट पूरा कंप्लीट। फैट में आपने पूरा देख लिया कि फैट जो है क्या होता है, इसके सोर्स क्या है, ठीक है, जनरल फार्मूला क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है और इसके प्रकार कैसे होते हैं। तो आप ये पॉइंट वाइज इसको नोट कर लीजिएगा। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।